तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप काले या सांवले हो तो अपने क्लास में पढ़ने वाली लड़की को कैसे पटा सकते हो, चाहे वो स्कूल हो या फिर कॉलेज। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप काले या सांवले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं वीडियो स्पेशली काले या सांवले लड़कों के लिए बनाता हूं, क्योंकि मैं खुद काला हूं और मैंने इन्हीं टिप्स को फॉलो करके अपने कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की को पटाया था, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो ये टिप्स तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टिप वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ड्रेसअप वन लेवल अप। ड्रेसअप वन लेवल अप का मतलब है कि आप जो नॉर्मल कपड़े पहनते हो उसी के एक लेवल अप वाले कपड़े पहना करो। जैसे अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है तो कॉलेज में बहुत से लड़के हाफ स्लीव वाले टी शर्ट पहन के आएंगे, तो आप हाफ स्लीव के बजाय फुल स्लीव के टी शर्ट पहन के जाना और इसी को ही ड्रेसअप एक लेवल अप कहा जाता है। और ऐसा करने से आप अपने क्लास में और अपने कॉलेज के बाकी सारे लड़कों से अलग दिखोगे, जिससे कि आप हमेशा नोटिस में रहोगे और जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हो वो भी आपको नोटिस करेगी। और इस गर्मियों में फुल स्लीव के टी शर्ट पहनने के एक और फायदे है कि हमारी स्किन पहले से ही थोड़ी काली है तो ये हमारे हाथों को धूप से टैन होने से भी बचाएगी। और अगर आप स्कूल में हो तो साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाया करो और यूनिफॉर्म को रोज आयरन करके पहना करो। और अगर ये सब करने में बोरिंग लगता है और हमेशा ऐसा नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट तब तक ऐसा ही करो जब तक वो आपसे पट ना जाए। टिप टू जो हर काले या सांवले लड़के को रखनी चाहिए अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो, और वो है कि अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी रखो। तो पर्सनैलिटी के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने हर एक चीज पूरा डिटेल में बताया है कि काले या सांवले लड़के को किस तरह की पर्सनैलिटी रखनी चाहिए। तो ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, उसे क्लिक कर वो वीडियो देख सकते हो। फिर भी शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि पर्सनैलिटी अच्छी रखने के लिए आप अपने ड्रेसिंग सेंस को अच्छा रखो, अपने बॉडी लैंग्वेज को अच्छा रखो और एक अच्छा सा हेयर स्टाइल रखो अपने फेस के अकॉर्डिंग। और इसके बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। टिप थ्री अपने आप को स्टैंड आउट करवाओ अपने क्लास में या फिर अपने कॉलेज में या स्कूल में। अपने आप को स्टैंड आउट करवाने का मतलब है कि अपने आप को नोटिस करवाओ सबके नजरों में। जैसे अगर आप क्लासरूम में हो तो सर से क्वेश्चंस पूछा करो, और अगर आप हंसा सकते हो तो क्लासरूम में सबको हंसाओ, लेकिन कभी कभी, क्योंकि आप जोकर तो हो नहीं जो एनी टाइम हंसाता फिरे, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। या फिर अगर आप एक टैलेंटेड बंदे हो और डांस या फिर सिंगिंग या फिर गिटार ये सब करते हो तो आप अपने कॉलेज या फिर स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट किया करो, जिससे कि आपको पॉपुलैरिटी भी मिलेगी और सब आपको पहचानेंगे भी और वो लड़की भी आपको नोटिस करेगी जिसे आप इम्प्रेस करना चाहते हो। टिप फोर आप उसे ये पता लगने मत देना कि आप उसे लाइक करते हो। बहुत से लड़के ये गलतियां करते हैं कि वो जिस लड़की को पसंद करते हैं उस लड़की को दिन भर ताड़ते रहते हैं और पीछे बैठकर उसे टोंट मारते रहते हैं क्लासरूम में और सोचते हैं कि ऐसा करने से वो उससे इम्प्रेस हो जाएगी। तो आप ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करने से उसे पता चल जाएगा कि आप उसे लाइक करते हो, फिर वो आपसे भाव खाने लगेगी। और बहुत से लड़के तो ये करते हैं कि वो अपने फ्रेंड्स को बता देते हैं कि देख तेरी भाभी को, इस लड़की को मैं पसंद करता हूँ, फिर वही फ्रेंड्स उसके भाभी के सामने उसे आय हाय ओय होय करके चिढ़ाते हैं, जिससे कि उसका पत्ता कट हो जाता है। क्योंकि लड़कियों को ये पसंद नहीं है कि उसके रिलेशन के बारे में ज्यादा लोग जाने, तो आप ये गलती मत करना। और हाँ, अगर आपके फ्रेंड्स लोग थोड़े हरामी टाइप के हैं, थोड़े बदमाश टाइप के हैं, तो उस लड़की के सामने अपने फ्रेंड्स लोग से थोड़ा हट के रहना, वरना वो लड़की आपको बदमाश और हरामी टाइप का लड़का समझेगी आपके फ्रेंड्स लोग के तरह, चाहे आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो। टिप फाइव उससे जाके बात करो। तो अभी तक आपने सब कुछ कर लिया है, उसके नजरों में नोटिस भी हो चुके हो और अपने बदमाश दोस्तों से दूर हटकर उसके नजरों में अच्छे भी हो चुके हो, तो वो आपसे अच्छे से बात करेगी और आपने उसे पता लगने भी नहीं दिया कि आप उसे लाइक करते हो तो वो आपसे भाव भी नहीं खाएगी। आप उससे किसी भी बहाने से बात कर सकते हो। आप उससे पानी पीने के लिए वाटर बोतल मांगने के बहाने उससे बात कर सकते हो, या फिर आप उससे पेन मांगने के बहाने उससे बात कर सकते हो, या फिर नोट्स मांगने के बहाने उससे बात कर सकते हो। और अगर आपको लड़कियों से बात करने में डर लगता है तो इसका मेन रीजन होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होना। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा, तो अगर आपको लड़कियों से बात करने में डर लगता है तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं उसके नजरों में अच्छा हूं तो मैं उससे बिना बात किए उसे प्रपोज कर दूंगा और वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, तो ये बहुत ही गलत सोचते हो आप। क्योंकि लड़की से बिना बात किए, बिना उसे अपना फ्रेंड बनाए, उसे आप अपना गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते हो। इसीलिए हमारा टिप सिक्स है कि उसे अपना एक अच्छा फ्रेंड बनाओ। उसे अपना एक अच्छा फ्रेंड बनाने के लिए क्लास में उसके साथ बैठा करो, उससे बातचीत किया करो, उससे पढ़ाई में हेल्प मांगा करो, जिससे कि आप दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकोगे। फिर कुछ दिन तक इधर उधर की बातें करना, फिर उससे उसका व्हाट्सएप नंबर ले लेना और वो आपको अपना नंबर देने के लिए मना भी नहीं करेगी, क्योंकि अभी तक आप उसके एक अच्छे दोस्त बन चुके होंगे। फिर उससे व्हाट्सएप में चैट किया करो, बट हाँ, चैट में सिर्फ पढ़ाई की बातें मत करते रहना, वरना वो फिर आपको फ्रेंड जोन कर देगी। इसलिए हमारा टिप सेवन है कि उससे बीच बीच में फ्लर्ट करो। तो जैसा मैंने बताया कि उसके साथ बैठा करो, क्योंकि उससे अलग रहकर आप उसके क्लोज नहीं आ सकते हो। फिर पढ़ाई के बीच में उससे थोड़ा फ्लर्ट किया करो, फिर चैट में थोड़ा फ्लर्ट किया करो, बट हाँ, फ्लर्ट सही तरीके से करना, क्योंकि इसी के ऊपर वो आपको जज करेगी कि आप बॉयफ्रेंड मटेरियल हो
या नहीं, और जहाँ आपने गलत तरीके से फ्लर्ट किया तो आपका काम बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। तो अगर आप सही से फ्लर्ट करना चाहते हो तो इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बना चुका हूँ कि लड़कियों से कैसे फ्लर्ट करते हैं, तो ऊपर आई बटन पर वो वीडियो आ रही होगी, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। टिप 8, रेगुलर रहो। आप कॉलेज में हो या फिर स्कूल में हो, आप जहाँ पर भी हो कॉलेज या स्कूल रेगुलर जाया करो, क्योंकि इससे आप उससे रेगुलर बात कर सकोगे और जल्द से जल्द उसके क्लोज आ सकोगे। और ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज द की, और इससे जल्द से जल्द आप उसे अपना फ्रेंड से गर्लफ्रेंड भी बना सकोगे। और इसका एक और फायदा है कि अभी बहुत सारे स्कूल या कॉलेजेस में अटेंडेंस का बहुत चाप दे रहे हैं, तो इससे आपका अटेंडेंस भी क्लियर हो जाएगा। तो एक तीर से दो निशाने। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बगल में बेल आइकन यानी घंटे को भी दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, जिससे कि हर काले या सांवले लड़के की मदद हो सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में शाम 5 बजे। तब तक के लिए लड़की को पटाइए मत, उसे अपना दीवाना बनाइए।